अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो इंसान आपको भागता हुआ नजर आ रहा है छठी बनियान में, आप सोच रहे होंगे कि ये जॉगिंग कर रहा है या फिर वर्जिश कर रहा होगा, तो आप गलत है। ये कोई जॉगिंग नहीं कर रहा है ना कोई वर्जिश कर रहा है, बल्कि ये दूल्हा है और शादी करने के लिए जा रहा है। और ये कोई आम दूल्हा भी नहीं है या फिर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड स्टार आमिर खान का पर्सनल फिजिकल ट्रेनर है, जिसका नाम नुपुर शिकरे है। और ये बॉलीवुड स्टार आमिर खान का होने वाला, बल्कि हो गया दामाद है। और ये जो चड्डी बनियान में भाग रहा है, दरअसल ये शादी करने के लिए जा रहा है। और ये एक दो नहीं बल्कि 8 किलोमीटर से भागते हुए शादी के मंडप तक पहुंचा है। ये दूल्हा चड्डी बनियान में शादी करने के लिए पहुंचा है। आयरा खान या इरा खान जो आमिर खान की बेटी है, ये उसके साथ इसने शादी की है। आप देख सकते हैं ये शादी का मंजर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लड़की तो मुसलमान है, यानी आमिर खान की बेटी इरा खान या आयरा खान, और लड़का हिंदू है, तो फिर क्या लड़की हिंदू हो गई या लड़का मुसलमान हो गया? तो ये सोच भी आपकी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये जो बड़े लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी लोग, जिनके पास पैसा भरपूर होता है और दुनियावी लाइफ से बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, तो ये लोग धर्म मजहब रिलीजन इसको बहुत पीछे इन्होंने छोड़ दिया है, इनसे बहुत आगे ये लोग बढ़ गए हैं। इनमें से अक्सर लोग तो ऐसे हैं जो मजहब धर्म वगैरह को मानते ही नहीं, एक झंझट समझते हैं और खामखा का एक बंधन समझते हैं। ये जो फिल्मों में आपको पूजा करते हुए नजर आते हैं या शादी करते हुए हवन के आसपास फेरे लेते हुए नजर आते हैं, या फिर फिल्मों में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, या निकाह करते हुए हिजाब को कबूल करते हुए नजर आते हैं, ये सब इनकी एक्टिंग होती है, पैसा कमाना होता है, इसलिए ये एक्टिंग करते हैं। और ये सब धार्मिक प्रक्रिया, यानी जितने मजहबी रुस्वाद अदा करते हैं, इनके अच्छे खासे पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं करते हैं। और ये जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, जो सरेआम बहुत मजहबी बहुत धार्मिक बनते हैं, वो भी उनकी मजबूरी होती है, उनकी फिल्में उनको चलानी होती है। और इनकी जो ऑडियंस होती है, जो देखने वाली आवाम होती है, वो कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, इनको अपनी फिल्में चलानी होती है। इनको पता है कि हमारी आवाम हमारी जनता बहुत धार्मिक है, धर्म को मजहब को बहुत मानते हैं, तो ये सब बताने के लिए करते हैं। बाकी दिन से ये ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। और जहां तक मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि आमिर खान की बेटी जो इरा खान या आयरा खान है, वो किसी धर्म किसी मजहब किसी खुदा को मानती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वो नास्तिक है, इसीलिए उन्होंने ना कोई धार्मिक रस्म इसमें मजहबी कोई रस्म निभाई, बल्कि इन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज किया, जिसको आप देख सकते हैं, बस अपनी जबान से ऐलान कर दिया कि ये मेरे पति है, और पति ने ऐलान कर दिया कि ये मेरी पत्नी है, बस हो गई शादी। ना फेरे हुए ना हवन हुआ, ना निकाह का खुतबा हुआ, ना इजाबो कबूल हुआ। I, Aira Khan, take the Nupur Shikhe as my lawful husband. I, Nupur Shikhe, take the Aira Khan as my lawful wife. इनका फैमिली सिस्टम भी बिल्कुल अलग ही होता है, ये बहुत मगरिब ज़दा होते हैं। इस शादी में आमिर खान की दोनों बीवियां भी नजर आएंगी, लेकिन दोनों की तलाक भी हो चुकी है। बहरहाल हम कौन होते हैं इनको कुछ बोलने वाले, ये अपनी मर्जी के मालिक है, इनके अमाल उनके साथ है। हम जो इस पर बात कर रहे हैं, बस ये सब इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान इनको अपना आइडियल मानते हैं, इनको अपना हीरो मानते हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है।
और ये सुन्नत भी है, गिजा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। और इनकी जो फिल्में आती है, जो खास नौजवान अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इनकी फिल्मों को हिट कराने में खर्च करते हैं और इनकी फिल्मों को हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, वो नौजवान देख ले कि जिस हीरो को वो बहुत धार्मिक, मजहबी और मुसलमान समझते हैं वो दरअसल क्या है। इस शादी में मुझे, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता ही है, कुछ ना कुछ अच्छा रहता ही है, इस शादी में मुझे पॉजिटिव सिर्फ इतना लगा कि देखिए शादी कितनी सिंपल चीज है, कितनी सादा चीज है, कितने सादगी से भी हो सकती है और करोड़पति लोग भी इसको सादगी के साथ कर सकते हैं। शादी में हजारों रुपये की शेरवानी पहनना फर्ज नहीं है और कई हजार का माला या हार पहनकर एक दिन का अजीम शान शहंशाह बनने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल कपड़ों में, घर के कपड़ों में भी शादी हो सकती है। हाँ, लेकिन शादी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस तरह के चट्टी बनियान में दूल्हा आ जाए या इस तरह का तमाशा करे। चूंकि ये बॉलीवुड के लोग हैं, तमाशा इनका पेशा है, इसलिए वो तमाशा करते हैं, मीडिया का अटेंशन लेते हैं और वो इनको सूट भी करता है। अगर हम और आप करने जाएंगे तो घोंडे लगेंगे। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी को भी हीरो मत बनाइए। सच में हमारे हीरो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अलावा कोई नहीं। वही हमारे आइडियल है, वही रोल मॉडल है, वही हीरो है। उनको भी फॉलो करने से हमारी दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह। ये इसका मुकम्मल हमको यकीन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए खास दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदाज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बॉटल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाल्लाह, हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, खरीदेंगे।